जो कमेंट करेगा उसी को माठा हो जाएंगे, उसको मारना है ताकि इसके जो दाने अलग अलग हो जाए। दाने निकाल दिए अलग कर दिए हुए हैं, ठीक है ये इसके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर आ गया हूं, क्योंकि आज दोपहर का टाइम है और हमारे घर पे मक्की का काम हो रहा है। मक्की काम है, मम्मी हमारे पापा और दोनों मक्की काम कर रहे हैं। और मक्की का काम ये है कि जो सुखाई हुई मक्की हमने रखी हुई थी और आज उसको कुटाई हो रही है। कुटाई होने के बाद उसको जो दाने अलग किए जा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि इसी तरीके से मक्की का आटा तैयार किया जाता है और काफी मेहनत लगती है उसको, मक्की का आटा को तैयार करने में। ये काम पापा और मम्मी दोनों मिलकर कर रहे हैं। पापा कूट रहे हैं और मम्मी कुछ दाने जो रह गए हुए हैं वो अलग कर रहे हैं, वो इसीलिए कि उनकी मक्की का आटा तैयार किया जाए। और जैसे कि सर्दियां भी आ रही हैं और फिर सर्दियों में मक्की का आटा खाने में, मतलब मक्की का आटा काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। मक्की की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और बस वही काम हमारे घर पर चल रहा है आज। मैंने क्यों ना आपको वो भी दिखाया जाए कि अपने इस ब्लॉग में। और बाकी हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, अगर जिनको आप मक्की का आटा चाहिए, जो मक्की का आटा खाना पसंद करते हैं, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उनको मक्की का आटा पहुँचाऊँ दूँ। और चलिए अभी फिलहाल बातें कम करते हैं और आपको दिखाते हैं ज़्यादा है मक्की का आटा किस तरीके से तैयार होता है, पहले स्टार्टिंग क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो वो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो आज हमारे घर पे जैसे काम हो रहा है वो दिखाता हूँ, मक्की का आटा भी दिखाऊंगा और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक भी पहुँचाऊँगा, ठीक है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, शाम नहीं है दोपहर हो गई है, लगभग 2 बज चुके हैं, लेकिन मौसम भी ठीक है, ठीक है। बाहर आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मम्मा को दिखा देता हूँ। मम्मा यहाँ पे मक्की निकाल रहे हैं, मक्की के जो बीज के दाने होते हैं, ठीक है, उसको अलग कर रहे हैं। और जिस फिलहाल मम्मी यहाँ पे मक्की निकाल रहे हैं और मक्की में से दाने अलग कर रहे हैं, ठीक है। और धूप तो काफी ज्यादा यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, लेकिन अभी इस पेड़ की छांव के नीचे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये देखिए मम्मा यहाँ पे मक्की निकाल रहे हैं। चलो मम्मा से ही बात करते हैं। चलो मम्मा बताओ क्या कर रहे हो आप? मक्की निकाल रहे हो अब? अभी ये देखो मट रहे हैं मक्की को। अभी ये देखो पहले तो सुखाई है, अभी हम इसको दाने निकाल रहे हैं, तो अभी पापा यहाँ पे मक्की को इस बोरे में डाल के डंडे से उसको मार रहे हैं ताकि इसके जो दाने अलग अलग हो जाएं, ये कर रहे हैं। और मम्मी जो बाकी थोड़े बहुत रह गए हुए हैं उसको अलग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आज हमारे घर पे मक्की, मतलब मक्की के दाने को छिलने का काम हो रहा है, ठीक है। बाद में ये दाने छिल के हम देखिए ऐसे इसको मतलब इसको हम डंडे से पिटाई की है तो उसके दाने अलग अलग हो गए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से दाने जो नहीं है उसको फिर से इसमें डालना है और फिर इसी तरीके से इसको मक्की के दाने को अलग करना है, ठीक है। मम्मी भी कर रहे हैं और ये अलग से जो शटर उसको हम बोलते हैं शटर निकल रहा है। तो बस ये काम चल रहा है आज हमारे घर पे, ठीक है गाइस। अभी मम्मी ने और ये पूरे दाने निकाल दिए अलग कर दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसके शटरों, उसको भतुआई शटरों बोलते हैं, और ये मक्की के निकाल दिए मम्मी यहाँ पर हैं, ठीक है। कर रहे हैं ये काम मक्की हमारी इस तरीके से। अभी इसको हम पिसवाएंगे फिर इसका बनेगा आटा। तो चलो पहले मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है अभी। चलो मम्मी बताओ आप कुछ, हमें बताओ कुछ मक्की के क्या कर रहे थे आपने, क्या किया इसको? अच्छा अच्छा अभी इसको और मतलब साफ करना है अच्छे से, करना इसको अच्छी तरह। अच्छा उसके बाद सुखाना है इसको। अच्छा सुखा कर अच्छी तरह सुखाना है इसको, देखिए जब सर्दियाँ आएगी तब पीसेंगे हम, फिर बनेगी मक्की की रोटी। अच्छा बड़ी मेहनत होती है इसके साथ, बहुत काम होता है इसका, बहुत ज्यादा काम होता है। अभी अभी इसको अपन छाज के साथ छान, अच्छा फिर ये करके फिर इसको सुखाना है। अच्छा फिर से सुखाना है, फिर ये मशीन में वहाँ देना। व्यूअर्स है उन तक आप दोगे आटा उनको? तो गाइस मामा भी कह रहे हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करेंगे उनको हम जरूर आटा देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मक्की का आटा खाना या आपको पसंद है तो आप जरूर वो कमेंट करें वीडियो के कमेंट सेशन में, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको मक्की का आटा दूं, इवन कि जो कमेंट करेगा कोशिश कर मैं उसको 100% दूंगा, लेकिन जो कमेंट करेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं, है ना। जो कमेंट करेगा उसी को देंगे ना, कह रहे हैं हाँ, जो कमेंट करेगा उसी को माटा पहुँचाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करेगा, जो वीडियो को लाइक भी करेगा कमेंट भी करेगा उसको माटा पहुँचाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जो करेगा, ठीक है। बस तो हमारे घर पर अभी ये काम हो रहा है मक्की का, इसके अलावा जो भी हमारी एक्टिविटी होगी शाम को आपसे मैं जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ये दूसरी वाली ऐसे रखनी है, तो गाइस मामा कह रहे हैं दूसरी वाली भी है, ये जो हमारे पापा यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें बीच के लिए रखी हुई है हमने, ये देखिए ये बीच के लिए रखी हुई है, और ये हमारे मोठे अभी वहाँ पे इतने मोठे हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ का अभी सीनरी इस तरीके की सीनरी है ये, ठीक है। देखिए ब्रूनो भी मजा कर रहा है। तो बस अभी हम करते हैं, शाम को मिलते हैं, अभी दोपहर है, कुछ भी एक्टिविटी आपसे शेयर करूंगा, तो के लिए आप बने रहे इस वीडियो में। गाइस अभी शाम हो चुकी है, हम शाम को कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर मौसम खराब हो गया हुआ है, तो अभी मैं अंदर आ गया। और मेन बात ये हो गई थी, आज मेरा चार्जर भी खराब हो गया, वोल्टेज लाइट इतनी आ रही है, ठंड लग रही है, आज मैंने ज्यादा काम कर लिया हुआ है उस वजह से, अब कह रहे हैं वो ठंड लग रही है, कम्बल लो, और मैं लेट रहा हूं, मेरे को सर्दी से लग रही है, और मैं भी आपको बाहर कुछ दिखा नहीं पाया, टीवी लगा हुआ न्यूज देख रहे हैं। मिलते हैं गाइस कुछ अलग किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।